जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने के लिए परम आवश्यक है कि हम एक सफल छात्र बने, और सफल छात्र बनने की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम अपनी पढ़ाई से, अपनी किताबों से इतना स्नेह करें कि अपनी तैयारी को निरंतर हम आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों, हमारे व्यवहारिक जीवन में हर पल चुनौतियां आती रहती हैं, उसी प्रकार से हमारे छात्र जीवन भी चुनौती भरा हुआ है। वर्तमान समय में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, हर एग्जाम के दो या तीन चरण होते हैं। जैसे अगर आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हो, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, तो वहां आपको प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू देना होता है। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो यहां भी आपको टेट क्वालिफाई करना होता है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय में आपने सुना होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश यानी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली लेखपाल, वीडियो, प्राविधिक सहायक, गणना पर्यवेक्षक जैसी सभी परीक्षाएं अब पेट के एग्जाम के बाद होंगी। यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश ने भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट लागू कर दिया है। तो दोस्तों, पेट पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पेट क्वालिफाई करेंगे। पेट क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट होगा या फिर मुख्य परीक्षा होगी, जिसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यहां जो नई व्यवस्था प्रारंभ हो रही है पेट की, अगर हम पेट के विषय में बात करें तो यहां दोस्तों क्या होगा कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसके एग्जाम के लिए। आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और उन 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स भी होंगे। और ध्यान रहे आप सभी को दोस्तों, यहां पर 0.25% यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। और इस दोस्तों, इस परीक्षा के बारे में रवि सर के माध्यम से आप सभी ने आवेदन तिथि देख लिया कि कब से आवेदन होगा, कितनी पोस्ट है, कितना आवेदन शुल्क है या कब तक आप आवेदन कर सकते हो, इन सब प्रक्रियाओं के बारे में आपको पता हो चुका है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के विषय में बात करेंगे। हम सामान्य विज्ञान का क्या लेवल रहेगा या क्या टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, बता दें आप सभी को, यहां जो लेवल रहने वाला है सामान्य विज्ञान का, ये आपके हाई स्कूल के आसपास, हाई स्कूल के अप्रोक्स रहेगा। आप जानते हैं, आपको पता है कि जितनी परीक्षाएं होती है अधीनस्थ के माध्यम से, सबका लेवल क्या होता है, हाई स्कूल के आसपास या इंटर के आसपास का होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यहां जो लेवल रहेगा यह भी हाई स्कूल के आसपास का ही रहेगा। तो हमें दोस्तों क्या पढ़ना है, यहां पर जो सिलेबस दिया गया है विज्ञान के, 5 क्वेश्चन कुल रहेंगे साइंस के, जहां दोस्तों प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान के साथ साथ प्रारंभिक रसायन विज्ञान आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम पूरे विज्ञान को समझेंगे कि सामान्य विज्ञान ही हमें पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, आज दोस्तों मैं सामान्य विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं आपके सामने, जो टॉपिक आपके दैनिक जीवन से यानी आपके व्यवहारिक जीवन से बहुत ही घुला मिला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। दोस्तों, सॉल्ट का यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। अगर नमक ना हो तो हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम कुछ भी खाते हैं वह नमकीन होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, फिर दोस्तों खट्टा होता है। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्री टेलीग्राम का। आप फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करिए और हमारी बैच जुड़ जाइए। बैच जुड़ने के बाद देखिए आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। दोस्तों, बैच जुड़ने के बाद आपको देखिए, और दोस्तों आपको बैच जुड़ने के लिए, हमारी पेड क्लास जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यूपी पीईटी निर्माण बैच। और दोस्तों, जो इस बैच की विशेषताएं हैं वो क्या रहेंगी, 6 घंटे की आपको लाइव क्लास मिलेगी पर डे, और लाइव क्लास के साथ साथ आपका डाउट सेशन होगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल की, तो आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स, पीडीएफ मटेरियल, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यानी हर चैप्टर के खत्म होने के बाद प्रैक्टिस होगी दोस्तों, और संभावित प्रश्नों की श्रृंखला, 100 प्रैक्टिस सेट, एग्जाम के जस्ट पहले मैराथन रिवीजन, और दोस्तों टेस्ट सीरीज होगी। और जो इसकी बैच की अवधि रहेगी, लगभग 6 महीने के आसपास इस बैच की अवधि रहेगी। और यदि आपको जुड़ना है हमारी बैच से, तो निसंदेह आप हमें एंट्री पीईटी
2021 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम क्लासेस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हमें क्या पढ़ना, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं यहां पर एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए हम बात करेंगे अम्ल क्षार, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। अगर हम अम्ल क्षार एवं लवण की दोस्तों बात करें, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिड बेस, बेस एंड सॉल्ट कहते हैं, एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हमें आज पढ़ना है, ये हमारा टॉपिक है आज का। देखिए दोस्तों मैं यहां पर कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, इन कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं आप सभी को। जैसे यहां लिखा गया CH3COOH, दोस्तों यहां लिख दिया मैंने NaHCO3 और यहां लिख दिया मैंने CaOCl2, तीन कंपाउंड लिखा मैंने। और अगर मैं इनके बारे में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जो यहां पर सेकंड है ये क्या है, ये कहेंगे आपकी सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड। और दोस्तों सोडियम क्लोराइड है और इसको हम क्या कह सकते हैं, इस सोडियम क्लोराइड को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, दोस्तों कहते हैं बेकिंग पाउडर। और अगर हम यहां देखें तो CaOCl2 है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या इसको बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, क्लोराइड है, और इसको हम नाम देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसका यूज कहां होता है, साफ सफाई में। दोस्तों ये खाने वाला सोडा भी है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहां जो कंपाउंड है दोस्तों इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। आप जानते हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, अचार में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, और बियर में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दोस्तों जो एसिटिक अम्ल है या जो भी अम्ल होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और हम आज इसी की बात करने वाले हैं। दोस्तों यही हम पढ़ेंगे, अम्ल क्या है, उसका मीन क्या होता है, और अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं, या अम्लों के प्रकार क्या क्या होते हैं, या अम्ल का यूज कहां कहां होता है। तो यहां जो आपको पढ़ना है आज एसिड के बारे में, एसिड के बारे में सबसे पहले इसका मीन क्या है, मीन, उसके बाद इसके जनरल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या पढ़ना आप सभी को कि इसके टाइप पढ़ने हैं और टाइप के बाद इसका यूज पढ़ना है। ये देखिए तो चार चीजें आपको पढ़नी है एसिड के बारे में, सबसे पहले मीन, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद टाइप, उसके बाद यूज, चार चीजें पढ़नी है। देखिए दोस्तों अगर हम एसिड की बात करें तो बहुत सारे इसके गुण होते हैं, जैसे स्वाद में खट्टा है, पीएच मान इसका 7 से कम होता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर बराबर पूछता है, और अधीनस्थ के एग्जाम में ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। जैसे चने की पत्ती में कौन सा अम्ल होता है, जैसे दूब घास की पत्ती में कौन सा अम्ल होता है, बिच्छू के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, या जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक में कुछ जलन होती है या खट्टापन होता है, तो किस अम्ल से होता है, किस एसिड से होता है, ऐसे क्वेश्चन लगातार बने हुए हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल है, नींबू में कौन सा अम्ल है, बहुत व्यवहारिक प्रश्न है जो यहां से बनता है, और सबके विषय में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि एसिड का मतलब क्या होता है, मीन क्या है। देखिए आइए हम अम्ल का अर्थ पढ़ते हैं दोस्तों, अम्ल इसका अर्थ क्या होता है। देखिए लॉरी ब्रॉस्टैंड और आर्हिनियस ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्लों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम आर्हिनियस की बात करेंगे, आर्हिनियस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अम्ल के बारे में अपना मत दिया। और आर्हिनियस ने क्या बताया था, आर्हिनियस ने कहा कि ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करे, उनको हम कहते हैं अम्ल। ये कहा था आर्हिनियस ने।
लॉरी और ब्रॉस्टन ने क्या बोला कि ऐसे पदार्थ जो किसी और को प्रोटॉन दे सकते हैं वो क्या है, अम्ल है, उनको एसिड कहते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या बताया गया था, बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन के H+ आयन उत्पन्न करें। दोस्तों अर्थात धनायन उत्पन्न करें, उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और ये कथन किसका था, ये आपको भूलना नहीं है, आर्हेनियस ने कहा था, ये आर्हेनियस महोदय का कथन था कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए आप सभी लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर हम कहें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक जो एसिड होता है यही होता है, सबसे खतरनाक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे अम्लराज बनता है। और दोस्तों ये क्या करेगा, अपने जलीय विलयन में देखिए क्या किया इसने, H+Cl-, दोस्तों यहां H+ आयन दिया तो इसको हम कहेंगे ये अम्ल है। या देख लीजिए आप लोग HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, इन दोनों के मिलने से बनता है एक्वारेजिया। देखो ये क्या करेगा, ये जब जल में घुलेगा ना, जब जल में घुल जाएगा तो अपने जलीय विलयन में क्या करेगा, यह भी H+ आयन दे देगा और NO3-। देखिए आप सभी लोग, तो देखो ये जब जल में घुल रहा है ना, तो जल में घुलने के बाद H+ आयन दे रहा है, यानी हाइड्रोजन के धनायन दे रहा है। एक बात ध्यान देना दोस्तों, जिस पदार्थ में हाइड्रोजन नहीं है उसको हम अम्ल नहीं कहेंगे। आप कोई भी अम्ल का नाम लीजिए, हर अम्ल में आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अम्ल की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, यानी बिना हाइड्रोजन के किसी अम्ल का निर्माण नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी अम्ल बन जाता है HCl, लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अम्ल नहीं बन सकता। तो हाइड्रोजन किसी अम्ल के लिए बेसिक एलिमेंट है, सबसे प्रमुख तत्व है, किसके लिए, अम्ल के लिए। तो दोस्तों ये किसने कहा था, ये कहा था आर्हेनियस साहब ने। अब देखिए आर्हेनियस के इस कथन के बाद एक वैज्ञानिक और आते जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉरी ब्रॉस्टन। दोस्तों इन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने अपनी परिभाषा अलग से प्रस्तुत की और बताया कि ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को प्रोटॉन दे सकते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अगर प्रोटॉन दे रहा है तो दोस्तों उसको भी हम क्या कहेंगे कि वह भी क्या है, वह भी अम्ल है, वह भी एसिड है। क्लियर, जैसे आप देख लीजिए यहां पर है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O, हमने क्या किया इनको मिलाया आपस में, तो दोस्तों क्या हुआ देखिए, उसके बाद क्या हुआ, ये बन गया H3O+Cl-। दोस्तों क्या हुआ कि यहां जो HCl के पास एक हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन था वो दोस्तों कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया किसके पास, H2O के पास। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे पदार्थ, ऐसे सबस्टांस जिनके पास रिप्लेसेबल प्रोटॉन हो, जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, वह क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। यानी इन सब के बाद हमें एक परिभाषा जो मिल रही है वह यही मिल रही है कि ऐसे सबस्टांस या ऐसे पदार्थ या ऐसे कंपाउंड जिनके पास रिप्लेसेबल प्रोटॉन हो, जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड। और दोस्तों जो आखिरी वाली बात थी ये कहा था लॉरी और ब्रॉन्स्टैंड। दोस्तों लॉरी और ब्रॉन्स्टैंड ने कहा था कि ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को
प्रोटॉन दे सके उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो ये तो रहा अम्ल के बारे में कि हम कैसे जाने कि अम्ल क्या है। ये दोनों परिभाषाएं दोस्तों, ये परिभाषा एनटीपीसी में भी आ चुकी है और पीसीएस में दोस्तों कम से कम 3 बार पूछा गया है कि किसने कहा था कि अपने जली बिलियन में जो तत्व हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। दोस्तों ये कहा था आर्हिनियस ने, ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है और एनटीपीसी सहित एसएससी में भी आ चुका है। आइए हम बात करते हैं अम्लों के गुण के बारे में। अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर कि अम्ल के गुण, यानी क्या क्या इसके गुण होते हैं अम्ल के, तो देखिए दोस्तों हम क्या कहेंगे अम्ल के गुण। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हम अम्ल के बारे में यही कहते हैं कि जितने भी अम्ल होते हैं अम्ल का पीएच मान कितना होता है। देखो कहते हैं कि अम्लों का पीएच मान, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो भाई यहां पर एक प्रश्न तुरंत बनता है कि आखिर ये पीएच मान क्या है। भाई हमने यहां देखा जितने भी अम्ल हैं सबका पीएच मान 7 से कम होता है, तो आखिर पीएच मान किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है पीएच मान। देखो अगर हम बात करें पीएच मान, इसको हम कहते हैं पीएच वैल्यू। दोस्तों पीएच वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली में पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के सांद्रण को हम क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। क्लियर दोस्तों, क्या होता है ये हाइड्रोजन का सांद्रण होता है। क्लियर, तो इसको हम कहते हैं पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन या पीएच मान कहते हैं। और सबसे पहले इसे कितने दिया दोस्तों, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया, सोरेनसन ने इसको दिया। और ये होता क्या है, ये होता है अम्ल पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता का सूचक। तो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का सूचक होता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। तो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएच मान का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों क्या होता है, एक संख्यात्मक मान है। क्या है, एक संख्यात्मक मान है। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक संख्यात्मक मान होता है जिसके माध्यम से पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है हम यह मालूम कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, तो दोस्तों हम कहते हैं कोई भी सॉल्यूशन हो, जो पीएच स्केल होता है उसको कैसे देखिए दिखाता है। दोस्तों अगर कोई पदार्थ हमने लिया, अगर उसका पीएच मान हमें जानना, तो पहले ध्यान दीजिएगा जो पीएच स्केल होती, इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। दोस्तों पीएच स्केल पर नंबर कितना होता है, 0 से लेकर के ये होता है 14 तक, तो 0 से 14 होता है। देखिए और अगर कोई पदार्थ अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा दोस्तों, 7, 0 से लेकर के 7 तक। तो 0 से दोस्तों 7 तक क्या होगा, पदार्थ क्या है, अम्लीय है। और अगर दोस्तों पीएच मान 7 से 14 है तो क्या होगा पदार्थ, वो होगा क्षारीय दोस्तों, यानी बेस हो जाएगा। देखिए तो ऐसा पदार्थ जिसका पीएच मान 0 से लेकर के 7 होगा वह अम्ल कहा जाएगा, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 और 14 के बीच होगा दोस्तों वह क्षार कहा जाएगा। ये होता है अम्ल और क्षार के बारे में पीएच मान। अगर दोस्तों हम बात करें पीएच स्केल की, जो पीएच स्केल होता है वह अम्ल और क्षार के बारे में देखिए क्या कहता है। वो कहता है कि अगर पीएच मान 0 से लेकर के 3.5 है तो पदार्थ क्या होगा, ये पदार्थ को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। दोस्तों क्या बोलेंगे इसको, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और अगर मान लीजिए पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर के 7 है तो इसको हम कहेंगे वीक एसिड कहेंगे। और अगर एग्जैक्ट 7 है तो कहेंगे बिलियन कैसा है, ये न्यूट्रल यानी उदासीन है। जैसे पानी जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, एग्जैक्ट 7 होता है, कहते हैं उदासीन है। और अगर किसी बिलियन का पीएच मान 7 से 10.3 हो तो इसको हम कहते हैं वीक बेस कहते हैं।
दुर्बल क्षार कहते हैं। अगर 10.3 से लेकर के 14 हो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यानी प्रबल क्षार कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो दोस्तों ये है पीएच स्केल पर कुछ अम्ल और क्षार के पीएच मान, क्लियर इस तरह से। और ध्यान रखना सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे मालूम करेंगे देख करके कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है, इसके लिए हम क्या करते हैं कुछ विशेष प्रकार के सूचक का प्रयोग करते हैं, यानी कि इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर प्रश्न यह बनता है कि अम्ल और क्षार सूचक क्या है, अम्ल व क्षार सूचक क्या होता है। तो आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर हम अम्ल क्षार सूचक की बात करें, देखिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, निसंदेह आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो अम्ल क्षार सूचक देखिए, सबसे पहला है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर है, आप कहेंगे कि लिटमस पेपर आखिर कहां मिलता है, तो आपने देखा होगा गांव में आम के पेड़ों की छाल पर एक सफेद रंग का पदार्थ दिखाई पड़ेगा दोस्तों। वो क्या होता है आप जानते, काई, जहां पानी जमती है वहां काई होता है, काई बनता है, और नम स्थान पर फफूद बनता है। जब फफूद और काई दोनों एक हो जाए, यानी फफूद और काई के बीच की जो इकाई होती है, जो कड़ी होती है, उसको हम लाइकेन नाम देते हैं। और लाइकेन पेड़ों की छालों पर होता है, सफेद रंग का होता है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए लाइकेन वही होगा जहां की वायु शुद्ध होती है। तो दोस्तों लाइकेन होता है जो पेड़ों की छालों पर होता है, और उसी लाइकेन से क्या मिलता है, लिटमस पेपर मिलता है। लिटमस पेपर न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा होता है, ये बैगनी रंग का होता है। कैसा होगा, बैगनी रंग का होता है, ये आप जानते रहिए, ठीक है ना। कॉमन आप जानकारी आपको ये नहीं मिल पाती है। फिर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये भी क्या है, ये भी सूचक होता है, मिथाइल ऑरेंज दोस्तों। और क्या होगा, ऑरेंज के बाद देखिए फिनाफ्थलीन होता है, फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन ये भी होता है यूनिवर्सल एसिड एंड बेस इंडिकेटर दोस्तों। इसके अलावा क्या होता है देखिए, इसके अलावा होता है हल्दी का प्रयोग हम कर सकते हैं, और लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी ये भी क्या है, ये भी अम्ल क्षार सूचक है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आज दोस्तों जान लीजिए, जो लाल पत्ता गोभी होती है ये भी क्या होती है, अम्ल क्षार सूचक होती है दोस्तों, ठीक है ना। और देखिए इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें तो पेटूनिया होता है, पेटूनिया भी क्या होता है, अम्ल क्षार सूचक होता है। ये सब क्या है, ये सब सूचक हो गया। एक होती है पेटूनिया, पेटूनिया, क्लियर दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने अभी तक अम्ल का केवल एक गुण पढ़ा है, जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगर हम अम्ल के और भी गुणों की बात करें तो देखिए और इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। हाँ लेकिन दोस्तों अम्ल के गुण पढ़ने से पहले आपको कुछ पदार्थों की पीएच मान समझने पड़ेंगे। अगर इनकी हम बात करें तो आप देखिए यहां देख सकते हैं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सबसे अधिक पीएच मान इसी का होता है 0, बहुत अम्ली होता है। अगर इसमें हाथ डाल दीजिए आपका हाथ गल जाएगा दोस्तों। फिर क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। फिर देखिए क्या है, हमारे आमाशयी रस, जो हमारे स्टमक के अंदर जूस होता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों गैस्ट्रिक जूस, देखिए उसका पीएच मान कितना, 1.5 होता है। नींबू का रस देखिए, जो नींबू होता है, नींबू का रस का दोस्तों पीएच मान कितना है, 2.5 होता है। देखिए शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.9 to 3.8 दोस्तों। सिरका यानी विनेगर, सिरका जामुन का बनता है, सिरका ग्वावा दोस्तों अमरूद का बनता है, सिरका आपके सेब का बनता है दोस्तों। जो सिरका होता है गन्ने का बनता है, इसका पीएच मान देखिए कितना है, 4 होता है। बियर 4.5 है। कॉफी हम लोग पीते हैं जिसका पीएच मान कितना, 5 होता है। और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 5.5, कोल्ड ड्रिंक भी अम्लीय होता है दोस्तों। दूध क्या है, दूध हल्का अम्लीय है, 6.5 इसका पीएच मान होता है। और अगर यहां हम देखें तो प्योर वाटर, जिसको कहते हैं आसुत जल,
जो पीने वाला पानी है उसका पीएच मान कितना है, 7 है। और देखिए आप सभी लोग सेलाइवा, अगर दोस्तों हम सेलाइवा की बात करें तो यहां देखिए जो सेलाइवा है इसका पीएच मान कितना है, 7.4 दोस्तों, लेकिन भोजन करने के बाद कितना होता है, 6.8 हो जाता है। दोस्तों ब्लड देखिए आप सभी लोग, 7.4 ब्लड का पीएच मान है और अंडे का 7.7 होता है। अगर हम देखें ह्यूमन यूरिन मानव मूत्र की, तो दोस्तों एग्जैक्ट क्या होता है, 6 होता है, अम्लीय होता है मानव मूत्र। अगर दोस्तों बात करें दंत मंजन की, तो 8 यानी दंत मंजन जो होता है टूथपेस्ट वो क्षारीय होता है। और आप देख सकते हैं जैसे हम कहते हैं खाने वाला सोडा दोस्तों बेकिंग पाउडर, ये देखिए 8.5 ये भी क्षारीय होता है। और आप देख लीजिए धावन सोडा यानी जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा दोस्तों, इसका पीएच मान कितना है, 9 होता है। और दोस्तों यहां कहते हैं कि सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच मान कितना, 14। तो दोस्तों यहां हम कहेंगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, याद रखना। और कहेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होता है, कि यहां हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ये आपको याद रखना होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या क्या होता है, कि आपको यहां पर याद रखना होगा। और अगर दोस्तों हम अम्ल के अगले गुण की बात करें, तो अम्ल कैसा होता है, तो आप कहेंगे जो अम्ल होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि सावर होता है। तो जो भी आप पदार्थ खाइए, चाहे कच्चा आम खाइए, या दोस्तों आप सिरका खाइए, या मान लीजिए चने की पत्ती खाइए, दूब घास की पत्ती खाइए, नींबू खाइए, संतरा खाइए, सबका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, क्योंकि इन सब में अम्ल पाया जाता है। तो जहां पर भी अम्ल होगा, अम्लों का स्वाद कैसा होगा दोस्तों, खट्टा होगा। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके कुछ और भी कैरेक्टर हैं जो हमें समझने होंगे। जैसे कि एक नाम है अनिल, अगर अनिल नाम आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। देखो दोस्तों अनिल का मतलब ये है कि नीला लिटमस को अम्ल क्या करता है, लाल कर देता दोस्तों, लाल लिटमस में चेंज कर देता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीले लिटमस को लाल करता है कौन, तो आप बताएंगे अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस और ला से लाल लिटमस। दोस्तों और क्या है, मिथाइल ऑरेंज हमने देखा था दोस्तों, ये क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है कौन, अम्ल लाल कर देता है। एक पॉइंट और जानते रहना, जो फिनाप्तलीन में अगर हम अम्ल डालते हैं तो ध्यान रखना कोई रंग उत्पन्न नहीं होता है। फिनाप्तलीन के साथ जो अम्ल है वो कोई भी रंग उत्पन्न नहीं करता, ये भी आप जानते रहना। अदरवाइज जो पहला वाला पॉइंट्स है, ऐसा कोई भी एग्जाम आज तक नहीं होगा जहां पर ये पॉइंट ना बना हो। लगभग हर एक एग्जाम में दोस्तों क्या है, ये पॉइंट्स बन जाता है और बना हुआ है। अगर हम आगे बढ़ जाएं अम्ल के और गुण की बात करें, तो दोस्तों हम देखिए आपने सुना होगा बचपन में क्या होता है, बचपन में क्या था कि जब हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज जब कम होता था तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों, हम लोग नमकीन पानी या एसिडिक पानी क्या करते थे, उस अर्थ में डालते थे। या आप देखिए जो बैटरीज होती हैं, बैटरीज में एसिड का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो अम्ल का जली विलयन होता है वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों हम कह सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो
अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे। अच्छा जरा सोचिए आप लोग, अगर कोई अम्ल हो आपके हाथ पर गिर जाए तो भला क्या हो सकता है, अगर कोई एसिड हो और आपके हाथ पर गिर जाए तो भला क्या हो सकता है, कभी गौर किया है दोस्तों? आपने सुना होगा कई सारी फिल्में बनी हैं जो जब दोस्तों क्या करते हैं लोग एसिड डाल देते हैं ऊपर, देखिए क्या होता है, जो जो स्किन होती है वो बर्न यानी जल जाती है, ये बहुत हार्मफुल होता है हमारी स्किन के लिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर एसिड से हमारी स्किन अगर एसिड के संपर्क में आती है तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि स्किन हमारी जल जाती है, तो स्किन बर्न्स की प्रॉब्लम होती है, स्किन हमारी जल जाती है। और दोस्तों ध्यान देना, अगर हम एसिड को देखिए तो तेजाब जिसको आप बोलते हो, जिसको आप तेजाब कहते हो, वह भी क्या एक प्रकार का एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर तेजाब को हम किसी लकड़ी पर गिरा दें, किसी कपड़े पर गिरा दें, किसी लोहे किसी धातु पर गिरा दें, या किसी भी सामान पर पत्थर पर दोस्तों क्यों ना गिरा दें, वह क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि जो दोस्तों अम्ल होता है, जो अम्ल है, अम्ल के अंदर अम्ल में क्षयकारी गुण होता है, क्षयकारी गुण यानी कोरोजिव प्रॉपर्टी होती है, क्षयकारी गुण दोस्तों होता है, क्योंकि वह क्या करता है, कपड़ा लकड़ी धातु और पत्थर को नष्ट कर देता है। अगर कोई भी अम्ल हो उस अम्ल पर आप दोस्तों कोई धातु हो, कोई कपड़ा हो, कोई लकड़ी हो, कुछ भी हो, अगर उस पर आप अम्ल डालोगे उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। ध्यान देना, इसी का दोस्तों क्या है उदाहरण होता है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, आप जानते हैं HF। दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के माध्यम से हम धातुओं पर और कांच पर लिखते हैं, कैसे दोस्तों, अक्षर डालते हैं इसी से, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के क्षय करने में बहुत ज्यादा दोस्तों क्या होते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो क्षयकारी गुण है, इसके अंदर कोरोजिव प्रॉपर्टी होती है। और यदि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हम किसी धातु के साथ दोस्तों किसी अम्ल के साथ क्षार की क्रिया कराए तो क्या हो सकता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या होगा, अगर इसकी बात हम करें तो एसिड प्लस बेस अगर इन दोनों के बीच रिएक्शन दोस्तों हो जाए तो देखिए क्या बन सकता है दोस्तों, तो बनेगा यहां पर सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस दोस्तों क्या बनेगा यहां पर, वाटर बन जाएगा। ये बात भूलना मत, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आप देखिए HCl क्या है, एक प्रकार का एसिड है, प्लस दोस्तों प्लस यहां पर NaOH, ये क्या है, प्रकार का क्षार है। तो ये रहा अम्ल और ये रहा क्षार, ये एसिड और ये बेस, दोनों में क्या हुआ रिएक्शन, तो देखिए क्या बन जाएगा, बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl, और ये क्या है, NaCl एक सॉल्ट है दोस्तों, नमक है, और क्या बनेगा देखिए, H और H और O, H2O प्लस यहां पर H2O, जल बन गया। ये ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं साधारण नमक, साधारण नमक कहते हैं। और ध्यान रखना, इसी को हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, क्योंकि घरों में भोजन में स्वाद उत्पन्न करने के लिए इसको हम प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं ब्राइन दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्राइन, इसका उपनाम है, ये आपको याद रहे, टेबल सॉल्ट दोस्तों यही होता है, क्लियर। तो एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर दोस्तों प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा हो जाए कि हम क्या करें, किसी एसिड के साथ अगर दोस्तों किसी हम मेटल के बीच किसी धातु से क्रिया कराएं तो देखिए क्या बन सकता है, कोई धातु अगर हो तो जब हम क्रिया कराएंगे किसी मेटल के साथ किसी एसिड की, तो यहां बनेगा सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा, और दोस्तों यहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और क्या बनेगा यहां बनेगा सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों, और आपने ले लिया जिंक, जिंक क्या है, प्रकार का धातु है, ठीक है, दोनों में क्रिया करा दिया आपने, क्या बन गया ZnCl दोस्तों, क्या बन गया ZnCl, और ये क्या है, प्रकार का
यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन गैस यहाँ। देखिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी अम्ल से किसी धातु की क्रिया करा दें तब भी क्या होगा, नमक बनेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लगातार बनते हैं। क्या हो जाए कि अगर हम किसी अम्ल को, किसी खतरनाक अम्ल को धातु के कार्बोनेट से क्रिया करा दें। क्लियर दोस्तों, अगर किसी हम अम्ल को धातु के कार्बोनेट से क्रिया करा दें तो क्या होगा। देखिए जैसे सपोज करिए कोई एसिड रहे, कोई अम्ल हो, और क्रिया किससे कराए हम, मेटल के कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से। तो दोस्तों क्या बन सकता है इन दोनों की क्रिया कराने के बाद। क्लियर दोस्तों, क्या बन सकता है, तो यहां देखिए बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों, प्लस यहां पर क्या बनेगा, जल बनेगा। देखिए अब इसको समझने के लिए क्या किया आप सभी ने, जैसे मान लीजिए यदि आपके पास दोस्तों 2HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Na2CO3, ये दोस्तों क्या है, ये अम्ल है और ये क्या हो गया, ये धातु का कार्बोनेट है। ध्यान रखना ये धातु का कार्बोनेट है और ये HCl है। अगर दोनों के बीच हम क्रिया कराएं, रिएक्शन करवाएं, तो क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा Na2NaCl दोस्तों, क्या बनेगा, 2NaCl, 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। भाई ये क्या बन गया, सॉल्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई, और दोस्तों क्या बना, जल मुक्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि ये लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों ये हो गया अम्लों का गुण। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अम्ल का अर्थ पढ़ लिया और अम्ल का गुण पढ़ लिया। दोस्तों अब हमें जानना है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं या अम्लों के प्रकार कौन कौन से हैं। अगर हम आप सभी से अम्लों के प्रकार की बात करें तो दोस्तों बता दें, आपने सुना होगा प्रबल अम्ल, आपने सुना होगा दुर्बल अम्ल, आपने सुना होगा ऑक्सी अम्ल, आपने सुना होगा हाइड्रोजनी अम्ल। देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सब आते हैं और सबको जानने का बहुत आसान तरीका भी होता है। जैसे प्रबल अम्ल अगर पूछ दे तो बस इतना कहना कि जिस अम्ल में कार्बन नहीं होता वो प्रबल अम्ल है और जिस अम्ल में कार्बन होता है वो दुर्बल अम्ल है। समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आराम से समझने योग्य है। ठीक है, आइए हम अम्लों के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ एसिड, कि अम्ल कितने प्रकार का होता है और किस अम्ल का क्या हम यूज कर लेते हैं। क्लियर, देखो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आप सभी को, एक ऐसा अम्ल जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजनी अम्ल, हाइड्रोजनी अम्ल ऐसा कौन सा अम्ल है जिसको हम हाइड्रोजनी एसिड कहते हैं। देखो बहुत इजी पॉइंट्स इसको जानने का, अगर हाइड्रोजनी अम्ल की बात करोगे बस इतना कहना कि ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन अब्सेंट हो। क्लियर दोस्तों, बस सिंपल सी बात बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अब्सेंट हो, अब्सेंट हो, ऐसे अम्ल को हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हाइड्रोजनी एसिड। बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे एग्जाम्पल दीजिए कौन कौन सा ऐसा अम्ल होता है, जैसे दोस्तों हम बोलेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हम बोलेंगे दोस्तों यहां पर देखिए हम कहेंगे HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, या बोलेंगे दोस्तों हाइड्रोकेमिक एसिड। क्लियर दोस्तों, ये ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें आप देखेंगे केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, तो इनको हम कहते हैं कि ये कौन से अम्ल है, ये होते हैं हाइड्रोजनी एसिड। अब देखिए कुछ अम्ल कैसे होते हैं, देखो नंबर सेकंड ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड अब क्या, ये कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सी एसिड ये एसिड का दूसरा प्रकार है, ये क्या है, एसिड का दूसरा प्रकार है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। देखो सब लोग ध्यान से, इसके बारे में क्या कहते हैं, एक सिंपल सी बात बोलते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
प्रेजेंट, यानी ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। मैंने आपसे कहा था कि हम ऐसे किसी भी अम्ल की कल्पना नहीं कर सकते जहां पर हाइड्रोजन ना हो। तो ऐसे अम्ल जो जहां पर हाइड्रोजन के साथ साथ अगर ऑक्सीजन भी है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड। जैसे देख लो एग्जाम्पल में HNO3, जैसे H2SO4, क्लियर, जैसे H2CO3, H2CO3। दोस्तों ये सब ऐसे अम्ल हैं जहां पर हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन ये सब एग्जाम में बहुत ही रेयर पूछता है। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वीक एसिड। और ध्यान देना, अगर NTPC में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपके पेट में भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है, मैं इस बात के लिए डैम श्योर हूं। ठीक है, देखो भाई दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। भाई देखो अम्ल कई प्रकार का होता है। हम कहते हैं कि अम्ल वे हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे हैं जो कम से कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो इसके बारे में हम यही कहते हैं, हम कहते हैं जलीय विलयन में कम से कम विलयन में कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों ये अपने जलीय विलयन में पूरा आयनित नहीं हो पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हम कहते हैं कि ये प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। अब ये प्राकृतिक कैसे होते, जैसे देखिए आप सभी लोग, इसमें एक पॉइंट और बोलूंगा तब समझ में आपको आएगा। ये प्राकृतिक होते हैं और इसमें कार्बन के एटम, कार्बन उपस्थित रहता है। ये समझने के लिए सबसे आसान है, इसमें कार्बन क्या होता है, उपस्थित रहता है। तो भाई जिसमें कार्बन उपस्थित रहेगा और वो क्या होंगे, प्राकृतिक होंगे। जैसे आप देखिए फॉर्मिक एसिड, दोस्तों फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, कार्बन उपस्थित रहता है। एस्टिक अम्ल देखिए, इसमें भी कार्बन होता है। तो एस्टिक अम्ल क्या है, सिरके में, फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी और बिच्छू और लाल चींटी के डंक में। देखो साइट्रिक अम्ल कहां होता है, ये नींबू में होता है, संतरा में होता है, ठीक है ना, और ये भी क्या है, प्राकृतिक है। तो जो आपका दुर्बल अम्ल होगा वो मैक्सिमम क्या होगा, नेचुरल एसिड होता है और इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और कार्बन की उपस्थिति के कारण ही यह दुर्बल बन जाता है। समझ गए ना। देखो अब क्या है, इसकी एक पॉइंट्स और दोस्तों बात करेंगे इसमें हम। पॉइंट्स ये है कि शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, ये हानिकारक नहीं। दोस्तों हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल नहीं होता है। और जिसका प्रयोग है, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, अधिकतर भोजन में करते हैं, अधिकतर खाद्य पदार्थ में इसका अधिकतम प्रयोग किया जाता है। इनको हम कहते हैं वीक एसिड। और जो इनका पीएच मान होता है वो आपको मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों, कितना होता है, जो वीक होते हैं हम कहेंगे कि 3.5 से लेकर के 7 इनका होता है पीएच वैल्यू, इनको हम कहते हैं वीक एसिड। और अगर वीक एसिड के बाद देखा जाए तो दोस्तों आगे क्या है, आगे होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनको हम कहते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और अगर देखिए प्रबल अम्ल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड, भाई देखो स्ट्रॉन्ग तो है ये, इसका नाम दोस्तों क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी ये प्रबल है। अगर प्रबल है तो मजबूत होगा, अगर मजबूत होगा तो क्या करेगा, ये जली विलियन में क्या करेगा, ये जली विलियन में दोस्तों क्या करेगा, ये अधिक आयन दे देगा, अधिक H+ आयन देगा, क्योंकि ये मजबूत है ना, तो मारपीट करके अधिक आयन निकाल देगा। और दूसरी बात क्या होती है कि इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन के अणु नहीं पाए जाते, इसमें कार्बन नहीं होगा भाई। उसके बाद देखो प्रयोगशाला में निर्मित ये ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसे एसिड हैं जिनको प्रयोगशाला में हम
आर्टिफिशियल निर्मित करते हैं। तो दोस्तों ये रिसर्च सेंटर में बनाए जाते हैं, ये भी हम कह सकते हैं इसके बारे में। और ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। जरा बहुत ध्यान से समझिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल ये हानिकारक होता है शरीर के लिए हमारे। जिसका एग्जाम्पल होता है वो क्या है? वो है H2SO4। और इसके बारे में आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड। ये अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड्स है। इसी को हम कहते हैं गंधक का अम्ल, और इसी को हम बोलते हैं गंधक का तेल। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल, एसिड ऑफ विट्रियोल और किंग ऑफ एसिड सब यही है। बैटरी में हम इसका प्रयोग करते हैं, अगर एक चम्मच आपके हम हाथ पर रख देंगे तो हड्डियां गल जाएंगी, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। दोस्तों आगे क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोस्तों आगे क्या है? HNO3 है। ये सब क्या है? ये सब होते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग, दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। आप जानते होंगे जो एक्वारेजिया होता है दोस्तों, एक्वारेजिया के बारे में कि होता है 3HCl प्लस HNO3। इसको हम कहते हैं अम्लराज। देखो अम्लराज और अम्लों का राजा दोनों अलग है। ये अम्लों का राजा है और ये है अम्लराज। ये दोस्तों ऐसा बिलियन होता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें उत्कृष्ट धातुएं भी सोना और चांदी तक गल जाती हैं। बहुत डेंजर होता है। तो दोस्तों आइए हम स्ट्रॉन्ग एसिड और जो आपका वीक एसिड है इन दोनों के क्या क्या एग्जाम्पल है जरा इनको समझे और इनको पढ़ने की दोस्तों कोशिश करें। अगर इन दोनों के एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं आपके लिए, और ये ऐसे एग्जाम्पल है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए तो दोस्तों यहां हम बात करेंगे सबसे पहले जो अम्ल है वो क्या है? वो एसिटिक अम्ल है, बिल्कुल आपके स्क्रीन बोर्ड पर। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल देख रहे हैं आप सभी लोग, यहां पर CH3COOH है। इसका यूज कहां होता है? सिरका में और अचार में, और कहां? बियर में ये होता है। फिर देखिए साइट्रिक अम्ल होता है, C6H8O7 है। तो दोस्तों संतरा में, नींबू में, मौसमी में, अमरूद में होता है, और इसके माध्यम से हम धातुओं की सफाई करते हैं। आगे आप देखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल कहां होता है? तो ये देखिए टमाटर में है, पालक में है, चने की पत्ती में है, और कपड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, C2H2O4। आगे है लैक्टिक एसिड। आप जानते दोस्तों कहां होता है? ये दही में है, खट्टे दूध में है, और मांसपेशी में होता है, और मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से ही थकावट होती है। आगे है टार्टरिक अम्ल, C4H8O6। दोस्तों इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में, बेकिंग पाउडर में। तो देखो इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में आप देखिए टार्टरिक अम्ल होता है। एक है मैलिक एसिड। अगर हम मैलिक एसिड की बात करें दोस्तों कहां होता है? सेब में होता है। ठीक है दोस्तों आगे देख लीजिए आप लोग, बेंजोइक अम्ल है। अगर हम बेंजोइक अम्ल की बात करें तो बेंजोइक अम्ल दोस्तों कहां कहां होता है? ये घास में होता है। कहां होता है? घास में। तो बेंजोइक अम्ल दोस्तों कहां होता है? घास में पाया जाता है। इसके बारे में आप जानते रहना। ठीक है देखिए बेंजोइक एसिड ये रहा, ये कहां होता है? C7H6O2 दोस्तों घास में, और इससे हम खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। आगे है यूरिक अम्ल, ये मानव मूत्र में होता है। दोस्तों आगे है फॉर्मिक एसिड, इसी को हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड, HCOOH। दोस्तों क्या है ये? मिथेनोइक एसिड होता है, लाल चींटी में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, और नेटल पौधे की पत्ती में होता है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है, तभी लाल चींटियां कैसी होती है? स्वाद में खट्टी होती हैं, और स्वाद में खट्टी होने के कारण जो आदिवासी होते हैं वो लाल चींटियों की चटनी बनाते हैं, और बड़े ही चाव से उस चटनी को खाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे देखिए क्या है? ग्लूटेनिक अम्ल। ग्लूटेनिक अम्ल कहां होता है? गेहूं में। कहां होता है? गेहूं पाया जाता है। दोस्तों आगे क्या है? ग्लाइकोइन अम्ल होता है, ये कहां होगा? गन्ने में होता है, गन्ने यानी कि शुगर केन में ग्लाइकोइन अम्ल होता है। टैनिक अम्ल दोस्तों कहां होता है? चाय की पत्ती में होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में जलन क्यों होती है?
तो एक अम्ल है कार्बोनिक अम्ल, इसी के द्वारा जलन होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या है, सीएलिक अम्ल है। सीएलिक अम्ल कहां होता है, हमारी आंसुओं में, जो टीयर हमारा निकलता है, आंसू निकलती है दोस्तों, आंसू निकलते हैं वहां पर सीएलिक अम्ल होता है। और फिर क्या है, सल्फेनिक अम्ल, आप जानते जो प्याज में गंध आती है वो सल्फेनिक अम्ल से होती है। और सैलिसिलिक अम्ल एक एस्पिरिन नामक दर्द निवारक दवा होती उसमें होता है। और दोस्तों यहां देखिए फॉस्फोरिक अम्ल पूछ रहा है, तो ध्यान रखना ये जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन दोस्तों क्यों होता है, तो फॉस्फोरिक अम्ल से होता है, इसके बारे में आप जानते रहना। दोस्तों देखिए आगे, अब आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं अम्लों का राजा। ये कहां होता है देखिए, तो अगर हम बात करें यहां सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4 की, तो बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। दोस्तों इसका यूज कहां होता है, पेट्रोलियम में होता है, बैटरी उद्योग में, इसको गंधक का अम्ल कहते हैं दोस्तों, या कहते हैं इसको गंधक का तेल। तो गंधक का अम्ल या गंधक का तेल इसको हम बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या है, आगे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं HCl। ये हमारे आमाशयी रस में होता है और इससे एक्वारेजिया बन जाता है। आगे है ब्यूटारिक अम्ल, ये मक्खन में और दही में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों कहां होता है, आंवला, खट्टे फल और विटामिन सी में दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ये रहे सब अम्लों के प्रकार, आपको भली भांति पता होगा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग कहां करते हैं। अब आपका जो बेसिक प्रश्न है कि सर ये बहुत कठिन है, इसको कैसे याद करें, तो अपने दोस्त से, अपने परिवार में, अपने भाई से, सबसे कहो कि आज हमने संतरा खाया है और उसमें था साइट्रिक अम्ल। सबसे कहो कि आज हमने इमली खाया है, उसमें था टार्टरिक अम्ल। अगर इसको अपने जीवन के व्यवहार में लाओगे तो ये ज्ञान आपके लिए बहुत ही व्यवहारिक हो जाएगा। ज्ञान तो मिलेगा ही आपको, एग्जाम में नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, देखो आइए आगे। अब दोस्तों आगे क्या है, अब हमने तो पढ़ लिया कि अम्ल क्या है, आगे हम पढ़ेंगे क्षार क्या है। लेकिन इनको पढ़ने के बाद हमने सीखा कितना, इसको परखने के लिए आइए मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वैसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनर से बनेंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तो आप खुद को परख भी सकते हैं। यहां देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, अम्ल अपने जली विलयन में, अम्ल अपने जली विलयन में H+ आयन देते हैं, यह कथन किसका है। तो आपने भली भांति इस प्रश्न को पढ़ा होगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। दो परिभाषाएं, एक ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन अन्य को दे सके वह अम्ल है, या ऐसे पदार्थ जो अपने जली विलयन में हाइड्रोजन के धनायन प्रस्तुत करें वे अम्ल है। दोस्तों यह कथन किसका है, तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आर्हेनियस, आर्हेनियस ने यह बात कही है, तो बिल्कुल ये सही। आगे है कि अम्लों में बेसिक एलिमेंट क्या है, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट जिसकी अनुपस्थिति में अम्ल बनेगा ही नहीं, उसको बेसिक एलिमेंट कहेंगे। दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा हाइड्रोजन, ये आपको अच्छे से पता है। देखिए दोस्तों आगे क्या है, अब आगे है फिनाप्तलीन के साथ अम्ल कौन सा रंग उत्पन्न करते हैं। आपने देखा कि जो अम्ल होते हैं वो लाल लिटमस को नीला, और मिथाइल, सॉरी दोस्तों यहां कहेंगे जो अम्ल होते हैं मिथाइल ऑरेंज और नील लिटमस को लाल कर देते हैं। लेकिन यहां फिनाप्तलीन में कौन सा रंग देगा, अगर इसकी बात करें दोस्तों, कहते हैं कोई रंग नहीं, यानी कि नो कलर। फिनाप्तलीन में अम्ल कोई रंग नहीं देता है। ठीक है, आगे है अम्ल व धातु की अभिक्रिया से क्या क्या उत्पन्न होता है। दोस्तों मैंने कहा था आप सभी से, अगर कोई एसिड किसी मेटल से, किसी धातु से अभिक्रिया करे, धातु का मतलब सोना, चांदी, लोहा, जिंक, अगर इससे क्रिया करे तो क्या बनाएगा, आपने देखा था कि सॉल्ट बन गया था और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी, ये आपने देखा था। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, देखेंगे कैसा प्रश्न अगला है। तो प्रबल अम्लों का पीएच मान कितना होता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अगर वीक एसिड दोस्तों बात करें तो आपसे कहा था 3.5 to 7, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है आपसे, यहां पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 0 to 3.5 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू होता है। गंधक का अम्ल, इसको बोलते हैं एसिड ऑफ विट्रियल। गंधक का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियल,
किस अम्ल को कहते हैं दोस्तों? H2SO4 आपने पढ़ लिया है, H2SO4 इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, गंधक का तेल, गंधक का अम्ल, इसी को कहते हैं। इसका यूज बैटरी में होता है, पेट्रोल को शुद्ध करने में होता है दोस्तों। ये है H2SO4। आगे है नेटल पौधे की पत्ती में, नेटल पौधे की पत्ती में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों मैथनोइक एसिड या फॉर्मिक अम्ल होता है। नेटल पौधे की पत्ती में मैथनोइक अम्ल होता है, चींटी और बिच्छू और मधुमक्खी के डंक में भी होता है। ऑक्सैलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से कहां होता है दोस्तों? पूछ रहा है जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है वो कहां होता है? तो आपने देखा था जो चना होता है दोस्तों, कहां पर? चना, जो चना होता है, चने की पत्ती, चने की पत्ती, टमाटर में दोस्तों होता है, टमाटर में होता है, और स्पाइनेक मतलब पालक की पत्ती में होता है दोस्तों। इन सब में क्या